दोस्तों रिसेंटली जो है NPCI की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जिसमें कि अगर आपको जो है अपने बैंक अकाउंट में DBT को इनेबल करवाना है या आपका DBT पहले से किसी दूसरे बैंक में है, अगर आप चाहते हैं अपने DBT को बदलना या जो आपका DBT वाला बैंक है उसको आप जो है बदलना चाहते हैं, आप जो है किसी दूसरे बैंक में अपना DBT इनेबल करना चाहते हैं उस बैंक को छोड़कर, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इसका कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाला हूं। क्योंकि NPCI की तरफ से रिसेंटली अभी एक अपडेट आया है जिसमें कि अब आपको जो है DBT इनेबल करने के लिए किसी भी तरह से बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह से बैंक में फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है ऑनलाइन तरीके से अपने मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से अपना DBT इनेबल कर पाएंगे। और आपका अगर पहले से किसी दूसरे बैंक में DBT है और अगर आप जो है अपना बैंक बदलना चाहते हैं तो आप जो है उस बैंक को बदल भी पाएंगे। इसके लिए जो है NPCI ने पूरा ऑनलाइन प्रोसेस जारी कर दिया है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं किस तरह से आप यहां पर जो है चेक करेंगे कि आपका जो DBT है इनेबल है कि नहीं है, और अगर आपका DBT इनेबल नहीं है तो उसको आप जो है किस तरह से इनेबल करेंगे, पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है SSUP, ठीक है ना। जैसे ही आप SSUP लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर माय आधार का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आपको जो इस वाली वेबसाइट को पहले ओपन करना है, तो अभी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों आपको जो है लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस प्रोसेस को करने के लिए आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप जो है वाली प्रोसेस को कंप्लीटली कर पाएंगे। तो यहां पर आपको जो अपना आधार नंबर एंटर करना है, इस वाली कैप्चा को यहां पर फिल करना है, लॉगिन विद OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा जाएगा, OTP आप यहां पर एंटर करेंगे एंड लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों अगर आपका जो है एक बार में पोर्टल लॉगिन नहीं होता, आपको जो इस तरह का अगर एरर देखने के लिए मिलता है, तो आप जो है सेकंड टाइम यहां पर सेम प्रोसेस को करेंगे तो आपका पोर्टल यहां पर जो है सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलता है डैशबोर्ड का। अब दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है बैंक सेटिंग स्टेटस का, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको यहां पर शो किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है आपका आधार नंबर बताया जाएगा, उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहां पर दिखाए जाएंगे, किस बैंक के साथ में आपका आधार सीडिंग इनेबल है वो बैंक का नाम आपको यहां पर बताया जाएगा, और यहां पर आपको जो है बैंक सीडिंग स्टेटस आपका एक्टिव है इनएक्टिव है वो आपको यहां पर जो है बता दिया जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको जो है इस वाले बैंक को यहां पर बदलना है, आपका जिस बैंक में आधार DBT इनेबल है उस बैंक को आपको बदलना है, या आपका जो स्टेटस है यहां पर नुल आ रहा है, अगर आपको जो है उस DBT को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आपको अब क्या करना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको सिंपली गूगल के सर्च बॉक्स में आना है, यहां पर आपको जो है टाइप करना है NPCI। जैसे ही आप यहां पर NPCI लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने यहां पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आपको जो इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये प्रोसेस आप जो है अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से कहीं से भी आप कर सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है ना। यहां पर इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहां से क्लिक करके भी आप जो है डायरेक्टली इस वाली वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो सकते हो। तो अभी आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफेस पेज आपको यहां पर शो किया जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप जो है मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो यहां पर आपको जो एक 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा इस साइड में, आप जो है 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट, कंज्यूमर, मीडिया, इस तरह के ऑप्शन आपके पास में आ जाएंगे। तो यहां पर आपको जो कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने और भी काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहां पर आपको लास्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है भारत आधार सीडिंग इनेबल, ठीक है ना। आपको जो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो अभी आपको जो है इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, ठीक है ना, मतलब आप यहां पर जो है आधार सीडिंग के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वाले फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, तो यहां पर आपको जो है अपना आधार नंबर एंटर कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो है रिक्वेस्ट आधार सीडिंग, तो यहां पर आपको जो है सीडिंग का ऑप्शन मिलेगा और डीसीडिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब दोस्तों मान लीजिए अगर किसी को अपना पुराना बैंक का DBT हटाना है तो वो यहां पर जो है डीसीडिंग का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको जो है आप फ्रेश है
अपना आधार जो है अपने बैंक के साथ में शेडिंग करना चाहते हैं, एनपीसीआई इनेबल करना चाहते हैं, तो आप जो है शेडिंग वाले ऑप्शन को टिकआउट करेंगे। अब जब आप शेडिंग वाले ऑप्शन को टिकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बैंक का नाम, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है बैंक के नाम की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब जिस किसी भी बैंक का आपका एनपीसीआई आपको लिंक करना है उस बैंक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में लिंक करना है तो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा शेडिंग टाइप, फ्रेश शेडिंग, मतलब अगर आप जो है फर्स्ट टाइम करा रहे हैं, अगर आपने जो स्टेटस चेक किया था वहां पर आपका नुल लिखा हुआ आ रहा है NULL, तो उस कंडीशन में आप जो है फ्रेश शेडिंग करेंगे। अगर आप जो है पहले से आपका डीबीटी इनेबल था, अगर आप जो है उसको दूसरे बैंक में डीबीटी को करना चाहते हैं तो आप जो है मोमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जो है अनदर अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक चेंज करना है तो आप जो है बैंक चेंज वाले ऑप्शन को भी यहाँ पर, इस पर भी आप मोमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बैंक को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बार फिर से अपना आधार नंबर प्रोवाइड करना होगा और यहाँ पर आपको कन्फर्म आधार वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप जो है टर्म को एग्री करेंगे, सेकंड वाले टर्म को भी आपको एग्री करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, इस वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस वाले फॉर्म को भरते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो है टाइम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, 8 मिनट के अंदर अंदर आपने जो है सारी प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। अगर आप जो है 8 मिनट के अंदर सारी प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट करके यहाँ पर आप जो है प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो प्रोसीड है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और 24 से 48 घंटे में आपका जो डीबीटी है उसको इनेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अब आप जो है ऑनलाइन तरीके से अपने डीबीटी को इनेबल कर पाएंगे और अपना डीबीटी है उसको बदल भी पाएंगे। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपकी बैंक का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और इस वाले पोर्टल पर भी बैंकों के नाम जो है धीरे धीरे अपडेट कर दिए जाएंगे जिसके माध्यम से आप जो है सभी बैंकों का बेनिफिट ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।